अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको बताया, आजकल सबसे जो ज़्यादा इशू चल रहा है, प्रॉब्लमेटिक इशू है, वो है कोरोना वायरस का, जो कि बहुत से इंसानों को और बहुत से कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा है। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है ये यूट्यूब का, कि जहाँ पे मैं अपनी आवाज़ या कोई भी अच्छी बात लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। तो मुझे फील हुआ कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई वैक्सीन या कोई भी इलाज तो इसका मार्केट में नहीं है। इसकी कुछ सेफ्टीज हैं और कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम फॉलो करके खुद को कोरोना वायरस से सेफ रखने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो मेरे पास एक यहाँ पर लिस्ट है मोबाइल में, जो कि मैंने दो तीन डॉक्टर्स के साथ भी कंसर्न किया है। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि ये लिस्ट आपकी बिल्कुल ठीक है और आप इस चीज़ को फॉलो करें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये लिस्ट शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे होता है और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है और कैसे स्प्रेड होता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो पहले आप ये वीडियो देखें कि ये कैसे स्प्रेड होता है। छोटा सा क्लिप है, पूरा देखिएगा। خمسون بالمئة من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. तो देखिए आप लोगों ने वीडियो, इससे आपको देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता, ये एक दूसरे को टच करने से फैलता है। तो जो मेरे पास अब लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोग इस लिस्ट को सुन लीजिएगा। इससे उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा होगा और मेरी ये अगर आपको लिस्ट बिल्कुल ठीक लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो मेरी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो कि मैं चाहता हूँ सबके साथ शेयर हो और लोगों को इससे फायदा हो। लिस्ट में नंबर वन तो यह है कि जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि ये हाथ लगने से या टच करने से स्प्रेड होता है। आप लोग अपनी हैबिट बना लें कि रूटीन से हट के आपने ज़्यादा हैंड वॉश करने हैं। एटलीस्ट कुछ लोग मैंने नोटिस किया, कुछ लोग जस्ट हाथ गीले करते हैं, थोड़े से उनको लगता है कि उनके हैंड वॉश हो गए हैं। आप लोग अपनी हैबिट बनाएं कि अपने हैंड्स को ऐसे तकरीबन 20 सेकंड्स तक रब करें सोप के साथ या सैनिटाइजर के साथ और वॉश करें उसको, और अपनी हैबिट बना लें। घर में एंटर होते ही आप लोग या अपनी वर्क प्लेस पर जाते ही, जिधर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, आप लोग अपने हैंड वॉश करें और रूटीन में दिन में बार बार इसको वॉश करते रहें। और लोगों से आजकल माजरत कर लें कि शेक हैंड नहीं करना, आप लोगों को इशारे के साथ या जुबान के साथ सलाम कर लें या हेलो हाय बोलें आप लोगों को। और बच्चों में ये अवेयरनेस ज़रूर आप पैदा करें, क्योंकि बच्चे काफ़ी खेलते हैं, उनके हाथ में जर्म्स भी काफ़ी होते हैं, तो उनको अवेयर करें कि आज का रूटीन से हट के अपने हैंड वॉश लाजमी करें। देन सेकंड पॉइंट है मेरे पास, आप गर्म पानी पिए, फ्रिज वाला ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, जूसीज और स्पेशली आइसक्रीम खाना भी आजकल अवॉइड करें। नंबर थ्री पॉइंट है इसमें कि आप रश वाली जगह पे ओवर क्राउडेड प्लेसेस पे जाने से अवॉइड करें। कोई भी आपकी फैमिली में फंक्शन है, फ्रेंड्स के साथ कोई भी आपकी प्लानिंग है, उनको जरा भी अवॉइड करें। नंबर फोर पॉइंट है इसमें कि अपना फेस लाजमी कवर करें फेस मास्क के साथ, और जब भी आप घर से बाहर जाएं, किसी मार्केट में, किसी भी काम से घर से बाहर जाएं, ऑफिस जाएं, मार्केट जाएं, शॉप्स पर जाएं, तो अपना फेस लाजमी कवर रखें। इसमें नंबर फाइव पॉइंट है, आप फ्राइड फूड को और स्पाइसी फूड से अवॉइड करें और घर का सिंपल खाना खाएं, और कोशिश करें घर में ही बना हुआ खाना खाएं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करें, और मीट से भी अवॉइड करें, ज़रा कम मीट खाएं। अगला पॉइंट है इसमें कि आप चेस्ट का वर्कआउट करें, चेस्ट की एक्सरसाइज करें। और वो चेस्ट की एक्सरसाइज, अब आप बोलेंगे कि जिम तो हम जा नहीं सकते, या मैं तो जिम जाता नहीं हूँ, या मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं आपको इसका आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप अपने चेस्ट का वर्कआउट घर पे कैसे कर सकते हैं। चेस्ट के वर्कआउट करने के दो तरीके हैं, एक तो सिंपल पुशअप्स हैं जो आप दिन में रूटीन बना के कर सकते हैं, दिन में तीन चार सेट करें और हर सेट में जितने आप पॉसिबल हैं वो आप करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को ये पुशअप्स मुश्किल लगते हैं उनके लिए सेकेंड तरीका ये है जो आपको साइड पर नज़र आ रहा है,
आप इस तरीके से भी पुशअप्स कर सकते हैं, इस तरह आपके लिए आसान हो जाएगा। तो घर पे आप चेस्ट का वर्कआउट कर सकते हैं, इसके अलावा घर पे आप जो भी किस्म का वर्कआउट कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपको अच्छा लगता है आप घर पे कर सकते हैं। वर्कआउट से होता क्या है कि वर्कआउट से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे आप वायरस के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आप ये घर पे चेस्ट का वर्कआउट या किसी भी किस्म का वर्कआउट लाजमी करें। सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे मार्च का मंथ खत्म होगा और अप्रैल में पाकिस्तान में मौसम गर्म हो जाता है, तो जैसे ही गर्मी आएगी इस वायरस का असर कम होगा। तो फिलहाल के लिए आप अपनी जो भी एक्टिविटीज आपने प्लान की हुई थी इधर उधर मूव करने की, वो उसे अवॉइड करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ये शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, और जैसे लोगों की हेल्प करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और जो भी गवर्नमेंट बैंस लगा रही है या जो भी उसके लिए कर रही है, तो आप प्लीज उसकी रिस्पेक्ट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।